हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस क्लास में एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स के लिए क्लास चल रहा है और 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 13.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। और अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बताएंगे, उसके अनुसार हम काम करते रहेंगे। एक्सरसाइज देखिए 13.3 है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रिकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कोई भी एक सॉलिड बॉडी, सिलिंड्रिकल, कॉनिकल, स्फेरिकल, कैसी भी हो, उसको आफ्टर मेल्टिंग पिघला करके दूसरे शेप में बनाना, रिकास्टिंग करना, ढालना, बनाना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको हाइट निकालना, रेडियस निकालना, या कितने पीसेज आप रिकास्टिंग के बाद पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक शेप कोई है सॉलिड का, उसको मेल्टिंग के बाद रिकास्ट करके दूसरे शेप में चेंज कर दिया, तो दूसरे शेप का भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि पहले शेप का था। आपके पास क्वेश्चन है, मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। किया क्या गया है, मेटलिक स्फेयर है 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको आफ्टर मेल्टिंग रिकास्ट किया गया और रिकास्टिंग की गई है सिलेंडर की जिसकी रेडियस 6 है, उसकी हाइट कितनी होगी। तो क्लियर है कि स्फेरिकल बॉल जो है या स्फेयर है उसका वॉल्यूम और इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा। दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दें, गिवन मैटर सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे जिसका भी वॉल्यूम लेना हो। तो क्वेश्चन में आप देखिए, आपको जो स्फेयर है उसकी रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेयर। अब यहां आपको लिखना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन दैट 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। अब यहां आपको ये बात नोट करनी होगी और स्टेटमेंट में लिखना होगा कि रेडियस ऑफ स्फेयर, मेटलिक स्फेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच, वी हैव टू फाइंड इट। अब इसको हम वॉल्यूम की कंडीशन में आपको बताया गया कि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब यहाँ आपको ये इक्वलिटी आपने शो कर दिया, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आप नोट करेंगे किसका वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको यहाँ स्मॉल आर यूज करना है, स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस आपने अस्यूम किया है पहले कि स्मॉल आर है सिलेंडर का। स्फेरिकल मेटलिक स्फेरिकल बाल जो है वो 4/3 पाई, उसकी रेडियस कैपिटल आर। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब इक्वेट करते हैं वॉल्यूम को तो पाई को आप वैल्यू कोई लेकर के नहीं साल्व करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी है, पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आपका वर्क बढ़ेगा। पाई की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। पाई कैंसिल कर दिया, आप गिवन वैल्यू पुट कीजिए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 4/3 आगे एच, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल आर क्यूब दैट इज 4.2 सेंटीमीटर इसका क्यूब होगा। एच इज इक्वल टू इंप्लाई दैट एच इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 अगेन मल्टीप्लाई बाई 4.2, डिनोमिनेटर 3 है और 6 स्क्वायर इट मीन्स 2 × 6 राइट साइड में आकर के डिनोमिनेटर हो जाए। डिवीजन करते हैं 0.7, 6×7 = 42 और नेक्स्ट टाइम 6 से फिर करते हैं 0.7, 3 से इसको डिवाइड कर दें 1.4। अब मल्टी डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया, 4 और 1.4 का मल्टीप्लिकेशन 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 अगेन 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से पहले, और फिर 7 से मल्टीप्लाई, डेसिमल पॉइंट अभी कलेक्ट कर लेंगे, फाइव पॉइंट सिक्स का 7 से गुणा हुआ 0.7 से, और फिर 7 से मल्टीप्लाई, अब देखिए कितने पॉइंट डेसिमल लगेगा, 1, 1 and 1 3 पॉइंट डेसिमल सेंटीमीटर। डेसिमल के 2 डिजिट तक अप्रोक्स 2.74 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन इज मैथमेटिकल वैल्यू भी इस तरह थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दिए गए। फार्मूला याद है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप दोनों को इक्वल लिखिए और उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए जो गिवन है, जो आपको अननोन है वो अपने आप आ जाएगा एज इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडी 6, 8 and 10 ईच इन सेंटीमीटर यूनिट रिस्पेक्टिवली। आपके पास क्या है, देयर आर थ्री स्फेयर ऑफ गिवन रेडियस 6 cm, 8 cm and 10 cm। ये तीन अलग अलग रेडियस के आपके पास तीन मेटलिक गोले हैं, इनको आप आर मेल्टेड, ये पिघलाए गए टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर। एक सिंगल सॉलिड स्फेयर यानी बड़ा गोला आपका बनेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। अब होना क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री मेटलिक स्फेयर्स जो छोटे हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो 6, 8 और 10 cm ये रेडियस दिए हुए हैं, 6, 8, 10। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, लेट आर वन इज इक्वल टू 6 cm, आर टू इज इक्वल टू 8 cm एंड आर थ्री इज इक्वल टू 10 cm। लेट कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर, रिजल्टिंग स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर ली गई और गिवन रेडियस 6, 8 और 10 को इन्हें आर वन आर टू आर थ्री से नोट किया गया। अब वॉल्यूम आपको जो रिजल्टिंग स्फेयर यानी जो बड़ा गोला बना है तीनों से मिलकर के, उसका वॉल्यूम उन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्फेयर्स तीनों गोलों का वॉल्यूम उस बड़े गोले के वॉल्यूम के इक्वल है जो कि रिजल्टिंग है यानी उनसे बनाया गया है। बालून का फार्मूला स्फेयर के लिए 4/3π, रिजल्टिंग स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर ली गई है। अब इन तीनों का बालून 4/3π स्मॉल आर वन स्क्वायर प्लस 4/3π स्मॉल आर टू स्क्वायर, थर्ड वाला 4/3π आर थ्री स्क्वायर। फार्मूला बेसिकली आपका 4/3π आर सारी क्यूब हो रहा है, ये वॉल्यूम है स्फेयर का क्यूब सब होकर 4/3π r³ वॉल्यूम का फार्मूला है, जहाँ आर वन रेडियस है आर वन क्यूब होगा, यहाँ आर टू है आर टू क्यूब होगा। सिंबलिक नोट भी किया गया है, इंडिकेशन हुआ है कि कौन सी रेडियस किस सिंबल से है। देखिए 4/3π सभी टर्म में है, डिवाइड बाई 4/3π बोथ साइड्स कैंसिल इंप्लाई दैट आर क्यूब इज इक्वल 4/3π सभी टर्म में है, कैंसिलेट हो जाएगा या इससे डिवाइड कर दिया गया कह दें, तो आर वन क्यूब आर वन इज इक्वल टू 6 cm क्यूब प्लस आर टू 8 cm क्यूब किया प्लस 10 cm क्यूब
सिक्स का क्यूब 216, एट का 512 सेंटीमीटर, प्लस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐड कर लिया इनको, 1000, 8, 2, 7, 1728 ये आर क्यूब है। आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट, क्यूब रूट का ये सिंबल। इसका क्यूब रूट करेंगे, ये जनरल क्यूब रूट है हमारे ख्याल से, ये 12 आया इसका क्यूब रूट, 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इट बिकम्स 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर आया रिजल्टिंग स्फेयर की रेडियस, और यही आपको फाइंड करना था, तो रिजल्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका 13.3 एक्सरसाइज का। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है रूल, सब में वही लगेंगे कि जो भी रिजल्टिंग सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम, जिनको आप मेल्टिंग के बाद रिकास्ट करते हैं उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल, अकेले दोनों हैं तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन की एनालिसिस करें, 20 मीटर डीप विथ डायमीटर 7 मीटर, वेल इज डग, कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर 7 मीटर, रेडियस 7/2 हो जाएगी और डेप्थ उसकी है 20 मीटर, 20 मीटर गहराई का कुआं खोदा गया और उस मिट्टी को निकाल लिया गया। तो अब उस कुएं से निकली मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कुएं का वॉल्यूम है और कुआं ओपन है उसमें से मिट्टी निकल गई है, तो निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल कुएं के वॉल्यूम के इक्वल। अब ये मिट्टी कहाँ ले जाई जा रही है, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफार्म है 22 मीटर बाई 14 मीटर, ये प्लेटफार्म कितना हाइट तक आपका पट जाएगा, इस पर मिट्टी जो होगी उसकी हाइट कितनी होगी, इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर बेस है उसमें कुछ ऊंचाई तक मिट्टी डाल दी गई तो वो बन गया एक क्यूबोइड। तो क्यूबोइड के फार्म में जो प्लेटफार्म है उसका वॉल्यूम और इस कुएं से निकली मिट्टी का डगआउट अर्थ, ये वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट करना, प्लेटफार्म पर तो उतनी ही मिट्टी आएगी जितना कुएं से निकली है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। अब एक एक चीज नोट की जाए,
20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। लेट कैपिटल एच इज हाइट ऑफ आर डेप्थ, यहां डेप्थ है वेल 20 मीटर, रेडियस ऑफ वेल 7/2 मीटर, डायमीटर ऑफ वेल इज 7 मीटर, इट्स हाफ रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। प्लेटफार्म की लेंथ 22 मीटर, ब्रीथ ऑफ प्लेटफार्म 14 मीटर, हाइट ऑफ प्लेटफार्म अननोन। यही आपको फाइंड करना। तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म इज इक्वल टू डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल दैट इज इन सिलिंड्रिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ, कुएं से निकली मिट्टी का वॉल्यूम, फ्रॉम वेल। इसको नोट कर ले रहे हैं सिंबल V1 से। फार्मूला क्या होना चाहिए, जो सिंबल आपने कैपिटल में यूज किया है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल, वैल्यू पुट करें पाई 7/2 मीटर होल स्क्वायर इंटू एच 20 मीटर। स्क्वायर ऑफ 2 4, 4/5 या 20, 4 से 20 को डिवाइड कर दिया तो 5 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, 245 पाई मीटर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म रेक्टेंगुलर है, इसको V2 सिंबल से लिख दें, एक लेटर से हो जाएगा, तब इक्वेट करने में V1 इज इक्वल टू V2 आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पहले इंडिकेट हो गया कि V1 और V2 क्या है। ये हो गया L, B हाइट के लिए स्मॉल h नोट, इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर, ब्रीथ 14 मीटर, हाइट एच मीटर। प्रोडक्ट कर दें इनका, ये 20 मीटर शायद था हमारे ख्याल से, कुएं की गहराई 20 मीटर थी, यहाँ नोट करने में गड़बड़ी हुई। अच्छा नहीं, ये 22 मीटर ठीक था, प्लेटफार्म का कुआं तो 20 लिखा हुआ। थ्री जीरो एट एच मीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ
प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल। तो सिंस वी टू इज इक्वल टू वी वन सो वैल्यू ऑफ वी टू 308H इज इक्वल टू 245π। H इज इक्वल टू डिवीजन आपका होगा, पाई की वैल्यू नहीं पुट की गई, अब पाई की वैल्यू पुट करना होगा, 245 पाई इज इक्वल टू 22/7 डिवाइडेड बाई 308। अब ये कैलकुलेट करना होगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 21 और 3 रिमेनिंग 35 7/5 35 × 22 डिवाइडेड बाई 308। सेवन से डिवाइड करते हैं, ये 5 हो गया, 7 से इसको डिवाइड किया, ये हो गया, 22 से 24 को डिवाइड करें 2 हो जाएगा, 5/2 इसको डेसिमल में लिखें तो 2.5 meters। 2.5 meters इज हाइट ऑफ प्लेटफार्म, रेक्टेंगुलर प्लेटफार्म। क्वेश्चन में देखिए आपको कैलकुलेशन में चाहे जो डिजिट हो, थोड़ा टाइम टेकन हो, अब आपके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड क्या है, प्रैक्टिस क्या है, जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है कैलकुलेशन उनका जल्दी होगा, लेकिन जो बेस है वो यही है कि किसी एक जगह से कोई मिट्टी निकली हुई है दूसरी जगह पर डाल दी गई है, तो दोनों ही स्थितियों में वॉल्यूम इक्वल होंगे क्योंकि जितना मिट्टी निकली है उतना ही पट्टी है। यही पॉइंट मायने रखता है कि वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म। दोनों को इक्वेट कर दिया गया और एच को हमने निकाल लिया, प्लेटफार्म 2.5 meters हाइट तक पट जाएगा, हाइट ऑफ प्लेटफार्म। ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 13.3 एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे तो कॉमन सेंस से हम खुद भी सोच सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 meters इज डग 14 meters डीप। ये 14 meters गहराई का, 3 meters डायमीटर का एक कुआं खोदा गया। द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकल रही है ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड इट, उसके चारों तरफ इस निकली हुई मिट्टी को फैला दिया गया, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। देखिए कुएं का ये मुंह है, अभी इस हिस्से में आपको कुआं खोदा जाना है जिसका शेप होगा सिलेंड्रिकल, इससे जो मिट्टी निकल रही है उसको इसके चारों ओर रिंग की तरफ फैला दिया गया।
अब ये मिट्टी जो फैली हुई है इसकी हाइट कितनी होगी जबकि इसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर विड्थ है और डायमीटर आपको कुएं का दिया है 3 मीटर, 3 मीटर डायमीटर, हाफ हाफ 3 means 1.5 मीटर इज रेडियस ऑफ वेल। एम्बैंकमेंट जो चबूतरा कहेंगे जो बना हुआ है वो इस हिस्से में है, ये चबूतरा है, मिट्टी यहीं फैली है। अब कुएं के साथ अगर इसकी रेडियस लें तो 4 plus 1.5 means 5.5 और इसका वॉल्यूम लें टोटल, जो हाइट है वो अननोन है वही निकालना है, उस वॉल्यूम से इनसाइड वॉल्यूम जो वेल का है जो कि ब्लैंक है हालो, उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिंग फार्म में जो एम्बैंकमेंट है इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो अब क्वेश्चन से हम नोट करते हैं हर चीज। कुएं के लिए आप रेडियस आर वन, अब आपको ये नोट करना पड़ेगा, एच इज डेप्थ आर हाइट ऑफ वेल 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल आर वन इसको नोट कर लें 3 by 2 means 1.5 मीटर। यहाँ आप थोड़ा केयरफुल होंगे, आर टू जो हम लिखने जा रहे हैं उसके लिए आप वर्ड्स क्या यूज करेंगे। आर टू इज रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट विथ वेल, वेल के साथ एम्बैंकमेंट की रेडियस विड्थ इसकी 4 है, ये हो गया 5.5 मीटर। एम्बैंकमेंट की रेडियस विथ हालो सिलेंडर दैट इज वेल, आपको फाइंड दी हाइट ऑफ दी एम्बैंकमेंट, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज स्मॉल एच दैट इज अननोन, वी हैव टू फाइंड इट। यह आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल, कुएं से निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम, इसको आप V1 से नोट कर दें, लेट V1 इज वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ फ्रॉम वेल पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, कैपिटल आर यहाँ नहीं लिया गया है, यहाँ लिया गया है R1। पाई R1 इज इक्वल टू 1.5, एच इज इक्वल टू 14 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया।
जो डग आउट अर्थ है, कुएं से निकली मिट्टी। 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाई बाई 40। मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इसको V2 सिंबल से नोट कर लीजिए। अब आपको बताया हमने कि एम्बैंकमेंट जो बन रहा है वो वेल का ये ओपन पोर्शन मुंह कह सकते, ये 1.5 था और 4 इसकी विड्थ थी, ऐड करने पर 5.5 है। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, किसी किसी बुक में आज फार्मूला भी लिखा होता है, पाई आर टू स्क्वायर देखिए आउटर वॉल्यूम होगा पाई आर टू स्क्वायर एच, आर टू रेडियस ली गई है आउटर, और माइनस पाई आर वन स्क्वायर एच, पाई और एच कॉमन ले लीजिए, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बीच में होगा, एज फार्मूला भी इसे कह सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, आर टू इज इक्वल टू 5.5 होल स्क्वायर माइनस आर वन आपका है 1.5 होल स्क्वायर, ये मीटर में है, यच आपका अननोन है और यही रिक्वायर है, यच आपका रिक्वायर है। पाई आइडेंटिटी यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, 5.5 प्लस 1.5 इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, 5.5 माइनस 1.5 इन टू एच, यूनिट क्या होगी मीटर की होगी, वॉल्यूम है। ऐड किया आपने 5.5 प्लस 1.5 7, 5.5 माइनस 1.5 4, 28 पाई एच आपका लगा हुआ है, 28 पाई एच इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट में लगी मिट्टी का वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम सेम होंगे बराबर, यही कहते आ रहे हैं, सिंस V2 इज इक्वल टू V1 वी गेट, दोनों वॉल्यूम इक्वल करने जा रहे हैं, 28 पाई एच जो अर्थ यूज हुआ है एम्बैंकमेंट में और जो आपका निकला है कुएं से 31.50 मीटर, और यहाँ आपका पाई नहीं नोट किया गया, देखिए मिसिंग होती रहती है,
पाई मीटर 31.50 मीटर पाई बार बार मिस हो रहा है पाई पाई कैंसिलेट कर दीजिए एच इज इक्वल टू 3.15 31.50 डिवाइडेड बाय 28। सिंप्लीफाई करें इसे 280 कर दें 1 डेसिमल राइट कर दें। नाइन बाई एट डेसिमल में लाना है वन पॉइंट 125 मीटर। ये क्या हुआ हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको बताना चाहते हैं जनरल वे में टीचर नहीं बताते, एग्जामिनेशन में साल्व करेंगे तो ऐसे हम लिखते चले गए हैं इक्वल साइन एक ही लाइन में 1 2 3 4 टाइम। आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये आपका आइडियल तरीका नहीं है। देखिए एज इक्वेशन हो तो हर न्यू लाइन में आर या इम्प्लाइज दैट आप नोट करें, और इक्वल के नीचे इक्वल और एक लाइन में एक ही इक्वल होगा आपका पेपर बचता है, लाइनिंग करके नेक्स्ट साइड कीजिए। लेकिन इस तरह से आपका लिखने का आइडियल तरीका नहीं, बाकी करेक्ट है सब कुछ है लेकिन यह आइडियल तरीका नहीं। तो देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन हो गए। अब घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ रही हैं, टाइम भी बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा आज नहीं हो सकता। अब 5th क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अलग से किसी को प्रॉब्लम हो एडिशनल वो भी क्लास में अपनी प्रॉब्लम रख सकता है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कंटिन्यूस वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे। वीडियो देखने पर आपको लगा कि आपके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है, प्रॉफिट आपका है इसमें, आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए और अपने उन मित्रों के लिए भी शेयर करते रहिए जिन्हें इसकी रिक्वायर है, उनको भी इससे कुछ न कुछ मिलता रहेगा। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।